नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिवनी में भारी बारिश के चलते वैनगंगा नदी उफान पर। वैनगंगा नदी पर बने संजय सरोवर भीमगढ़ बांध के 6 गेट खोल दिए गए। संजय सरोवर बांध के गेट खोले जाने के बाद बालाघाट और महाराष्ट्र के गोंदिया तक हाई अलर्ट जारी। आपको बता दें कि संजय सरोवर बांध वैनगंगा नदी पर बना है। पिछले 3 सालों के बाद इस साल अधिक वर्षा होने के चलते देर रात से 6 गेट खोले गए, जिनसे 72,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वैनगंगा नदी के निचले इलाके में गेट खोले जाने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। संजय सरोवर मिट्टी के बांध का जायजा लेने पहुंचे जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने तकनीकी सिस्टम के साथ साथ विभागीय कार्यकलापों की जानकारी ली। साथ ही नदी के आसपास रहवासी इलाकों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। पर्यटन से अपील भी की गई कि मोबाइल पर सेल्फी लेने के दौरान दुर्घटना वाले क्षेत्रों की ओर ना जाया जाए। कल रात में गेट खुल गए थे तो डैम के जो प्रबंधन है उसकी तैयारी देखने के लिए आज भ्रमण हुआ है कि जो भी जानकारी ये लोग गेट खोलने वाले हैं उसकी जानकारी जो है समय से रहते अधिक से अधिक जनता को दी जाए, जो आसपास के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, ताकि समय रहते राजस्व और पुलिस का हमला जो है आवश्यक तैयारियां कर सके। साथ ही साथ डैम के गेट को खोलने के लेकर इनका जो कंट्रोल सिस्टम है उसको भी चेक किया गया है, वो सही पाया गया है, और बाकी जो अन्य विभागीय दिशा निर्देश हैं उनको दिए गए हैं। और ये खुशी की बात है कि पिछले 2 साल के बाद पहली बार ये डैम भर गया है, तो पूरे ज़िले में आने वाले समय में फसलों के लिए और पानी की सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए उपलब्ध रहेगा, ये खुशी की बात है। धन्यवाद। वालों के लिए कुछ संदेश की ऐसी जगह ना ले। हाँ, चूँकि मौसम भी अच्छा है और काफ़ी सारे लोग सेल्फी और परिवार के साथ में आ रहे हैं, तो उन लोगों से अपील है कि सेल्फी ले, लेकिन सेल्फी ऐसी ना ले कि जो जीवन के लिए नुकसानदायक हो। सिवनी से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।